प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 8 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोमवार है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो सायंकाल तीन बज करके चौवालीस मिनट तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है रात्रि में आठ बज करके चालीस मिनट तक इसके पश्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र है व्यतिपात योग वृष्टिकरण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के पैंतालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के बत्तीस मिनट तक का होगा वहीं राहु काल प्रातः साढ़े सात बजे से नौ बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए महादशा हम सबके जीवन काल में किसी न किसी ग्रह की महादशा चलती ही रहती है अब महादशा कारक ग्रह की भी हो सकती है और अकारक ग्रह की भी आपको वर्तमान समय में किस ग्रह की महादशा चल रही है कारक की या अकारक की हम दोनों ही महादशाओं से लाभ उठा सकते हैं दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह गृहस्तुतियों की मंगल और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में चंद्रमा का संचरण राशि में जारी है आज ये चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं बुध गुरु और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये यह चंद्रमा सप्ताह का पहला दिन किस प्रकार का प्रभाव देंगे गोचर कुंडली की स्तुति बाकी यथावत है आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्तुति बनी हुई है आपके राशिफल के साथ इस विषय को हम जानेंगे तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं किस ग्रह की आपको महादशा चल रही है जाहिर सी बात है सूर्य से लेकर केतु पर्यंत इन्हीं नव ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह की महादशा आपको चल रही होगी हो सकता है वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक न हो परंतु ज्योतिष तो शास्त्र का एक तर्क है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उस ग्रह की अगर हम दिशा में चले जाएं या दिशा में जाए तो हमें विशेष लाभ प्राप्त तो हो सकता है अब सवाल उठता है कि लाभ किस मायने में हर कोई लाभ का अपेक्षा लाभ की अपेक्षा नहीं कर रहा है जो विद्यार्थी हैं उन्हें लाभ से कोई मतलब नहीं तो आपको भी लाभ हो सकता है शिक्षा का लाभ अब सवाल उठता है कि जो लोग नौकरी पेशा है वो उदाहरण से समझिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपको राहु की महादशा चल रही है राहु की महादशा एक दो साल की नहीं अट्ठारह साल की होती है और अगर आपकी नौकरी में बदलाव यानी ट्रांसफर होता है और आपके प्रयत्नों से ट्रांसफर हो सकता है तो आप राहु के राहु की दिशा में अपना ट्रांसफर करा लीजिए राहु की दिशा है कोण तो नैत्य नरि, तो कोण में अब सवाल यह उठता है कि नैत्य कोण एक जगह विशेष पर हो सकता है जाने का मौका न मिले तो दक्षिण और पश्चिम इससे जुड़ा जितना भी भाग है इस भाग की तरफ आपकी अगर नौकरी जाएगी इधर आपका ट्रांसफर होगा तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी मैं प्रत्येक ग्रह की आपको दिशा बता देता हूं सूर्य की महादशा अगर आपको चल रही है तो आप पूर्व दिशा की ओर जाइए ये सबके लिए है नौकरी करने वाले व्यापारी के लिए विद्यार्थी के लिए इस दिशा से आपको विशेष लाभ रहेगा चंद्रमा की महादशा चल रही है तो वायव्य कोण की ओर जाइए ये कहां होता है तो आपको पता है पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो कोना है जगह है उसी को वायव्य कोण कहते हैं तो इसका मतलब केवल एक जगह विशेष उत्तर पश्चिम का कोना नहीं आप इधर का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का इसमें कहीं भी आप आगे बढ़िए आपको लाभ मिलेगा मंगल की महादशा है तो दक्षिण दिशा बुद्ध की महादशा है तो उत्तर दिशा गुरु की महादशा है तो ईशान कोण ईशान कोण जानते हैं आप उत्तर और पूरब का कोना अब सवाल उठता है केवल इसी जगह पर नहीं उत्तर और पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में आप जा सकते हैं शुक्र की महादशा चल रही है तो आग्नेय कोण की ओर जाइए यानी दक्षिण पूर्व की ओर आग्नेय कोण इन्हीं के मध्य है दक्षिण पूर्व के मध्य आग्नेय कोण है तो इस दिशा की ओर आगे बढ़िए तो आपको विशेष फायदा मिलेगा शनि की महादशा चल रही है तो आपको पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और राहु केतु की महादशा है तो नैत्य कोण की ओर अब मिला जुला करके आप विद्यार्थी हैं और मान लीजिए शिक्षा का विशेष काल है आपका तो इन्हीं क्षेत्रों में जिसकी महादशा चल रही है उस ग्रह की दिशा की ओर अगर आप बढ़ें तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी व्यापारी हैं व्यापार करना चाहते हैं तो इन्हीं दिशाओं में आगे बढ़िए आपको विशेष लाभ मिलेगा अर्थात अगर वो ग्रह कारक नहीं भी है तब भी आप उस ग्रह की दिशा में बढ़कर लाभ पा सकते हैं चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं यह चंद्रमा शुक्र की शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं पूर्वा साढ़ा में देखा जाए तो भाग्य भावस्तु चंद्रमा का होना सप्ताह का पहला दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो अवश्य कराएगा मन भी बड़ा प्रसन्न और खुश रहने वाला है आप सक्रिय भी रहेंगे परंतु कही कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ी बाधा और दिक्कत आएगी विपरीत से विशेष रूप से आज आपको सहयोग मिलेगा और विपरीत के सहयोग से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे या यूं समझ लीजिए कार्य का आपको लाभ मिलेगा कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से मैं दिन को खराब नहीं देख रहा लेकिन जैसा मैंने कहा कार्यों में थोड़ी बाधा या रुक रुक करके कार्य आगे बढ़ेगा सो धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए पैसों के मामले में जो समस्या चली आ रही थी रुकावट आ रही थी आज वो खत्म हो जाएगी और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया देख रहा हूं व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है आज कहीं भी रहिए नौकरी पेशा है व्यापारी हैं जहां भी रहिए कार्यस्थल पर जो आपसे ऊपर के लोग हैं उनकी बात पर असहमति प्रकट करने से बचिए नहीं तो आपको विशेष नुकसान होगा और जीवन साथी के साथ भी आज मतभेद मत, मत करिएगा नहीं तो घर से ही माहौल खराब हो जाएगा प्यार का इजहार करने के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए सामान्य यानी मिला जुला फल देता दिखाई पड़ रहा है मेहनत थोड़ी ज्यादा है अपेक्षाकृत लाभ कम और सेहत ठीक है सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है भगवान विष्णु की आराधना करिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए विशेष लाभ मिलेगा लकीन का आपके लिए आज छ है और लकी कलर जामुनी निवेश आप करते हैं तो जरूर करिए और बात वृषभ की कर लेते हैं वृषभ राशि के के क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं सो दिन ठीक है चंद्रमा शुक्र के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उदार विचार बना करके आप आगे बढ़ते चले जाइए कोई भी परेशानी नहीं रहेगी सप्ताह का पहला दिन हंसी खुशी बीतने वाला है अपने कार्य तो करिए ही लोगों को भी समय दीजिए रिश्तों को महत्व दीजिए जरूरत पड़ने पर मदद कीजिए क्योंकि वक्त आने पर आपको भी मदद प्राप्त होगा कार्यस्थल पर अधिकारी आपको पूरी तरह से मदद करने वाले हैं जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा और जितने भी अधूरे काम जो पिछले दिनों छूट गए थे आज वो पूरे होंगे व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक देख रहा हूं हाँ धन लाभ में थोड़ी कमी जरूर रहेगी लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं दिन बढ़िया है काम आपके बनेंगे जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बढ़िया है दिन विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध में आज तनाव व्याप्त रहेगा गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी है जीवन साथी के साथ संबंध में अगर परेशानी है तनाव है मतभेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और विद्यार्थियों को मेहनत से विशेष सफलता मिलेगी सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं तो सावधान रहिए स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना बेहद जरूरी है और आज ल ही कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए लकी अंक आपके लिए आज नौ है लकी कलर आपके लिए आज हरा निवेश आज आप कर सकते हैं और बात मिथुन की कर लेते हैं मिथुन राशि के के जातकों लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बेहद जरूरी बदलाव और ऐसे बदलाव जो आपके लिए पूर्णतः फायदेमंद साबित हो कराने वाले हैं कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है कदम आप उठाइए कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा मेहनत भी आज थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन चूंकि दिन सफलता प्रदायक है सो आज मेहनत से मत चुकी वाहन मोबाइल या कोई ऐसी चीज आप खरीदने का मन बना रहे हैं लैपटॉप वगैरह तो आप खरीद सकते हैं और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज विशेष फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है व्यापार में नए अवसर आपको मिलने वाले हैं आमदनी की स्थिति में वृद्धि दिखाई पड़ रही है पैसों के मामले में अगर कहीं कोई विवाद चल रहा है कोई परेशानी चल रही है तो यह विवाद भी आज समाप्त होने वाला है मन की भावना अगर किसी से शेयर करनी है तो व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिएगा दाम्पत्य जीवन सुखद है और प्रेम संबंध में आज निर्णायक मोड़ पर आने वाला है हो सकता है क्लियर हो जाए आगे क्या होगा प्रेम संबंध आगे रहना है या समाप्त होना है लेकिन जो भी होगा अच्छा होने वाला है विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है परंतु शेयर मार्केट में निवेश करना आज बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता शेयर मार्केट में नुकसान है तो जरा सावधान रहिए निवेश ना करिए लकी अंक आपके लिए आज सात और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है आज ओम गंगड़ पतय नमः इस मंत्र का इक्यावन बार जब काल ही कर लीजिएगा कर्क की बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाव में संचरण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का यह संचरण आपको बेहद अलग ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करने वाला है महत्वाकांक्षा भी आज आपकी चरम पर रहेगी और ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर जिम्मेवार बढ़ने वाली हैं परंतु चूंकि सप्ताह का दिन दिन तो पहला है दिन आपके पक्ष में है सो कार्य में थोड़ी बाधा जरूर होगी परंतु कार्य बनेंगे आपके सारे कार्य विलंब से होगा लेकिन काम सारे बनने वाले हैं गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो लाभ की स्थिति बेहद मजबूत है व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है व्यापार में आज बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है दिन हां व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है और कुछ परिस्थितियां ग्रह की ऐसी बनी हुई है कि अनचाह खर्च आपको परेशान करेगा किसी को पैसा उधार देने वाले हैं आज मत दीजिए लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा लव पार्टनर के ऊपर कुछ खर्च भी होने वाला है प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो सब कुछ ठीक है हां जीवन साथी की सेहत चिंतित जरूर करेगी अगर जीवन साथी की सेहत में परेशानी है तो डॉक्टर से मिलिए और किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही तो दूसरे डॉक्टर से मिलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपके स्वास्थ्य में विशेष कोई परेशानी नहीं है खान पान का बस ध्यान रखिए और आज बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज एक लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है निवेश आप ना करें और बात तो सिंह की कर लेते हैं राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा अचानक लाभ कराने वाले हैं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही ये चंद्रमा आपको फायदा तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे पूर्व में किया हुआ किसी से वादा आज आपको याद दिलाएंगे जिसे कि आप पूरा कर सकें प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है संतान की ओर से कोई खुशखबरी तो वहीं संतान से सहयोग विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है आपकी सारी योजनाएं संपूर्ण रूप से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है बस आलस्य से बचना है जिद्द करने से बचना है और किसी की चुगली नहीं करनी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होता दिखाई पड़ रहा है व्यापार को लेकर के नई योजना बनेगी बस बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा अन्यथा आप फंस जाएंगे तो बात वहीं प्रेम संबंध की कर लें तो प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद होगा लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं नोक नोकझोंक है हां अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो बात फिर अलग है विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन दिन बहुत खास है विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है लाल पुष्प की माला माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए आज एक लकी कलर आपके लिए आज सिंधुरी है निवेश आज आप ना करें बात कर लेते हैं कन्या राशि की कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कर रहा क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है दिन बढ़िया है खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा फिर आगे बढ़िए सारे काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं घर का माहौल भी बहुत बढ़िया है यूं समझ लीजिए कि परिवार का घर का माहौल बेहद खुशनुमा किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए पहल करने वाले हैं तो एक बात आज अवश्य ख्याल में रखिएगा परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा नौकरी पैसा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है कहीं कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में तो आज अवश्य करिए लाभ मिलेगा आज आपको हर किसी से मदद मिलने वाली है दोस्त से संतान से परिवार के सदस्यों से सबसे सहयोग मिलती रहेगी बल्कि इनसे राय भी आपको मिलेगी ऐसी राय जो आपके लिए लाभप्रद हो प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया प्रेमी को समय अवश्य दीजिए और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की कर ली जाए तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मधुमेह के रोगियों को जरा सतर्क और सावधान रहना होगा आज नहाने के जल में दो बूंद गोदुग्ध का मिला लीजिएगा इसके बाद स्नान करिए लकी अंक आपके, आपके लिए आज पिंक पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको पराक्रम के लिए प्रेरित करेंगे हर संभव कोशिश करिए हर काम में हिम्मत रखिए सफलता तय है कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के समर्थन से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो आपके साथ के लोग हैं उनके सहयोग से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है जबरदस्त लाभ मिलने वाला है वही विपरीत का समर्थन आज पूरे दिन आपको प्राप्त होगा यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो ये योजना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी व्यापारी हैं तो बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और कोई राज की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो राय दे देता हूं किसी से शेयर ना करें प्रेम के क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है और यह भी परेशानी आपकी तरफ से आ रही है आपके क्रोध असहनशीलता और, और वाणी के कारण उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी सो जरा प्रेम के मामले में सावधान रहिए दाम्पत्य जीवन सामान्य है और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं विशेष करके कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो विशेष आपको सफलता मिलेगी और सेहत के मामले में कोई पुरानी परेशानी से जूझ रहे थे कोई रोग इत्यादि था तो शाम तक आपको आराम मिलेगा आज अन्न का दान सूखा अन्न दान करना बेहद श्रेष्ठ होगा सो सूखा अन्न दान करिए किसी जरूरतमंद को लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है निवेश आप करें वृश्चिक की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा राशि पर मंगल की दृष्टि का होना तो वही सूर्य और शुक्र राशि से चतुर्थस्थ पहल करना चाहते हैं कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है सफलता मिलने वाली है कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कदम उठा सकते हैं बस एक बार तैयारी कर लीजिएगा जल्दबाजी में नहीं पहले विचार करिए और फिर कदम उठाइए जो भी कठिनाई जो भी समस्या आपके सम्मुख आ रही है वो खुद ब खुद खत्म होने वाली है एकाग्रता बहुत जरूरी है एकाग्र आप रहे तो बहुत जल्द सफल होंगे नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं अवश्य खरीदिए है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अनुकूल है दिन व्यापार में फायदा रहने वाला है और शेयर मार्केट में विशेष लाभ तो शेयर मार्केट में निवेश करिए और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज इस फील्ड में कोई बड़ा कार्य होने वाला है कोई बड़ी डील होने वाली है जिसका आपको लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा बिना सोचे समझे बोलना आपको मुसीबत में डालेगा नुकसान कराएगा वाणी पर संयम रखिएगा दाम्पत्य जीवन सुखमय और प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास बहुत बढ़िया यादगार रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी विशेष करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अर्थात शिक्षक बनने के लिए तैयारी इत्यादि कर रहे हैं रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया है दिन सेहत के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है सेहत हर प्रकार से बढ़िया आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए लकी अंक आपके लिए आज तीन है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप करिए और बात धनु की कर लेते हैं धनुराज के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा देखा जाए तो आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कफ जन्य रोगों से परेशान होना पड़ सकता है आज मन में आलस्य की और मिलीजुली भावनाएं रहेंगी हालांकि सप्ताह का पहला दिन है सो मैं एक बात बता देता हूं सोचे हुए काम अगर चाहते हैं कि पूरा हो जाए तो आप अपने भाग्य का साथ दीजिए भाग्य आपका साथ देगा और यह कैसे होगा आपके प्रयत्नों से आपके मेहनत से अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो हर काम समय पर पूरा हो सबका सहयोग मिले तो आज परिश्रम से पीछे मत हटिए नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है पदोन्नति और धन लाभ के संकेत दोनों एक साथ मिल रहे हैं मैंने जैसा कहा कि नुकसान केवल आपके आलस्य से होगा आज खुद का साथ दीजिए खुद के भाग्य का साथ दीजिए पुराने दोस्तों से मुलाकात होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी रहने वाली है व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक हालांकि निवेश के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है बहस और विवाद इससे तो जैसे आपको कोसों दूरी बना करके रखनी है प्रेम संबंध के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है थोड़ी सी परेशानी है जीवन साथी से प्रेम मिलेगा यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में जैसा मैंने कहा थोड़ी सावधानी जरूरी है विशेषकर कफ जन्य रोगों की विद्यार्थियों को भी सहयोग मिलेगा सहयोग से आगे आपको सफलता मिलेगी और आज सूर्य के मंत्र का आपको जप करना चाहिए आप वैदिक वै, पौराणिक या तांत्रिक दोनों में से कोई मंत्र अगर आप वैदिक मंत्र जप सकते हैं तो वैदिक मंत्र का भी जप कर लीजिएगा इससे आपको फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश करते हैं तो कर सकते हैं सतर्क और सावधान होकर के या जानकार किराए से मकर की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो राशि पर ही शनि का संचरण बढ़िया है कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा हां ऑफिस में किसी से विवाद मत करिएगा जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा वाणी पर नियंत्रण रखिए किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए गुस्सा मत करिए और अपने खर्च पर नियंत्रण अवश्य रखिए यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और यात्रा करना जरूरी है तो सतर्क होकर के यात्रा करिए क्योंकि यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा व्यापारियों के लिए दिन ठीक है और धन निवेश कहीं करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं निवेश करना आपके लिए बढ़िया होगा हालांकि मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह तब दूंगा जब आप किसी जानकार की राय पर करिए और किसी को आज उधार भूल कर भी मत दीजिएगा जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए अगर जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में आज गलत फॉर्मी के कारण मतभेद होगा विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है सहयोग मिलेगा विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपको खाने पीने पर अपने कंट्रोल रखना होगा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दुर्बार अर्पित करिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए लकी अंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है बात कुंभ की कर लेते हैं राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं ग्यारहवें का यह चंद्रमा आपको फायदा देगा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं अपनी योग्यता का पूरा पूरा फायदा उठाइए धन लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं एक बात आपको बस बता दूं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करिए बस आगे बढ़ते चले जाइए भविष्य को लेकर के सोचिए अपना भविष्य कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं इसकी योजना बनाइए जरूरत पड़ने पर अपने शुभ से दोस्तों से राय मांगिए उनसे सहयोग लीजिए आपका कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होने वाला है उसमें आपको सफलता मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिन बेहद खास है बहुत बढ़िया है लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा है निवेश करना विशेष श्रेष्ठ रहेगा सो तो शेयर मार्केट में निवेश आप करिए और आज एक ही बात का ख्याल रखिएगा नुकसान अगर कहीं से होगा तो आपके खान पान के कारण बाहर का भोजन मत करिए मसालेदार भोजन से बचिए क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी आज आपके सारे अच्छे दिन का यूं समझ लीजिए सत्यानाश करने वाली तो आप खान पान का ध्यान रखिए प्यार का इजहार आज आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए बात बन जाएगी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत त्रिश्ट, बहुत श्रेष्ठ अच्छा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वही पेट से संबंधित परेशानी है इसका आपको ख्याल रखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज इक्कीस बार जब कर लीजिएगा प्रातः काल लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज काला है और बात मीन की कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको करियर पर जोर देने के लिए प्रेरित करेंगे अपने करियर पर ध्यान दीजिए करियर को सही दिशा देने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए अच्छा है समय करियर को मजबूती मिलेगी जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई कार्य है तो कार्य बनने वाला है इसके लिए दिन बढ़िया है जमीन जायदाद की खरीद बिक्री करने वाले हैं तो इस मामले में भी आपको लाभ मिलेगा आज कहीं भी किसी परेशानी में उलझ जाएं तो उलझने पर सुलझने का एक ही रास्ता है बातचीत बातचीत के जरिए आप किसी भी तरह के उलझन को सुलझा लेंगे गोचर कुंडली को अगर देखें तो बुध गुरु और शुक्र शनि आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं तो वही मंगल और राहु का आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण करना वाद से नहीं बातचीत से समस्या सुलझेगी हर मामले का समाधान निकल आएगा नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन बढ़िया रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बन रहे हैं और व्यापारियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया विशेषकर कहीं रुका हुआ पैसा था फंसा हुआ पैसा था वो आपको मिल जाएगा आज का काम आपको कल पर नहीं टालना जो करना है आज करना है जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है इसको जरा संभाल करके चलिए सोच समझ करके बोलिए वाणी पर संयम रखिए प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव रहेगा सफलता मिलने पर सब दूर हो जाएगा लेकिन तनाव से आप ग्रसित रहेंगे विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा सेहत में वही विशेष परेशानी तो नहीं है परंतु चोट चपेट की घटना और विशेषकर आप हार्ट पेशेंट हैं तो परेशानी बढ़ेगी या जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं तो परेशानी बढ़ेगी आज देवी सूक्त का पाठ करिए लाभ मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज सात लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार